भी आपसे बहुत प्यार करता है, ठीक है? तो हम करने वाले हैं रीडिंग फॉर दिस टॉपिक एंड वी आर गोइंग टू डू कलेक्टिव रीडिंग, ठीक है? कलेक्ट रीडिंग होने वाली है और उसके लिए हम लेते हैं कुछ कार्ड। सबसे पहले जो डेक लेंगे वो है टैरो का डेक, रॉयल टैरो। ये है यहाँ पे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इसे रखता हूँ। योगा हमारा फर्स्ट, सेकेंड हमें लेना है थोड़ा सा रोमांटिक वाले चुलबुल वाले कार्ड्स। ओके, सो वी हैव ट्विन फ्लेम ओरेकल जो कि मैं रखता हूँ यहाँ पे, एंड थर्ड जो हमें लेने हैं एनर्जी ओरेकल, ठीक है? तो वो हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है? टोटल हम तीन कार्ड के साथ रीडिंग करेंगे। टैरो है, ट्विन फ्लेम ओरेकल है, एनर्जी ओरेकल है, ठीक है? So let's begin the reading. ठीक है, सबसे पहले कार्ड्स निकालते हैं टैरो से। ओके, तो चलो कुछ कार्ड्स निकालते हैं, इसको रखते हैं थोड़ी देर के लिए साइड में। चलो शफल करते हैं इसको, क्या है शफल? मैं कुछ अप्स एंड डाउन कार्ड्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? अब कार्ड्स को मैं करता हूँ यहाँ पे शफल एंड चुनते हैं भी कौन से कार्ड आ सकते हैं, ठीक है? सो कोई आपसे बहुत प्यार करता है, क्या है पहला कार्ड? ओके चलो, ओके ये आ गया, ठीक है? देखते हैं ये क्या है। ये है द स्टार रिवर्स। ओके, एक्वेरियस का ये साइन है एंड एज यू कैन सी बहुत ही ग्लोरियस वाला कार्ड है ये। ओके, अगर आप इसे स्ट्रेट देखें तो आपको बहुत खूबसूरती से ये नज़र आएगा, ठीक है? डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी की है, जस्ट लाइक द ग्लोब जो वहाँ पे हैं स्टार उसमें चमक रहे हैं, यू नो वगैरह वगैरह। तो देखो ये कार्ड रिवर्स आ गया है, लेकिन हम इसकी अगर पूरी मीनिंग ले ले, चाहे रिवर्स में ही सही, तो सिंपल मीनिंग आती है कि ये पर्सन प्यार तो करता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं करता है, यू नो? और ये जो स्टार कार्ड है ये विश कार्ड है, कहीं ना कहीं अभी आपके विश जो है वो इस पर्सन के साथ कनेक्ट हो चुकी है, ये एक अंदेशा हो सकता है। लेकिन स्टार रिवर्स आ चुका है, मतलब या तो आप भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं ना ही वो पर्सन आगे बढ़ रहा है, दोनों ही या तो साथ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं या फिर समय ले रहे हैं एक दूसरे को जानने का, अंडरस्टैंडिंग करने का, या फिर कुछ पहेलियां सोच रहे हैं, बूझ रहे हैं, लाइक मे बी कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, एंड वॉट अबाउट अवर जॉब एंड करियर, क्या सच में हमें जल्दी करना चाहिए या फिर हमें समय लेना चाहिए, यू नो? तो ऐसी काफ़ी सारी बातें हैं जो शायद आप दोनों के दिमाग में घूम रही हैं एज अ पर्सन, ठीक है? तो पहला कार्ड आ गया एक्वेरियस के लिए जो कि है एयर साइन। दूसरा कार्ड देखते हैं कौन सा। ओके, ये आ गया है दूसरा साइन एंड ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जिसे आप नाइट ऑफ कॉइंस भी कह सकते हो। ओके, ये हैं टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए जो कि है अर्थ साइन। आई होप यू कुड सी दैट क्लियरली, ठीक है? मुझे थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, आई होप यू कुड सी दैट नाउ क्लियरली। ओके व्हाटएवर, ठीक है चलो। तो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये फिक्स साइन है, यू नो अर्थ साइन फिक्स साइन है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कैसे होता है कि भाई ये जो पर्सन है ये अपने मोरल्स को लेके बहुत ही फिक्स्ड है, ठीक है? मतलब आगे बढ़ेगा एंड यस पॉसिबिलिटी इज दैट द पर्सन इज गोइंग टू प्रपोज यू, एंगेज विथ यू, लेकिन अपने तरीके से। आप इसको फोर्स नहीं कर सकते, आप इससे जल्दी कर ऐसा नहीं कह सकते, आप इसको अपना मन बना लो, मन मोड़ लो ऐसा भी नहीं कह सकते, यू नो? ये पर्सन अपने मन को कंट्रोल करता है, मन का गुलाम नहीं है। तो आप जितना भी इस पर्सन को कहोगे कि भाई यू शुड डू लाइक दैट, शुड डू लाइक दैट, नो, ये पर्सन अपने मन को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा इसमें पैशन बहुत सारी होती है, ये बहुत अच्छी बात है, पैशन बहुत सारी होती है। लेकिन एक बात और भी होती है कि ये पर्सन बहुत शिद्दत से प्यार करता है, बहुत इंटीमेसी होती है, एंड अगर एक बार प्यार कर ले तो उसे भुलाता नहीं है ना, मतलब ये इस प्यार को फॉरगेट नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आप मे बी मोस्टली लकी हो सकते हो जिनके भी जो लवर हैं वो अगर अर्थ साइन के हैं, यानी कि टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, जिनको भी ये प्यार करते हैं ये भूलते नहीं हैं, भुलाते नहीं हैं, एंड बस अपने दिल में समा के रखते हैं। ये एक काफ़ी अच्छी बात हमें यहाँ पे देखने को मिली है। तो दो कार्ड हमें यहाँ से मिले हैं,
एक और कार्ड लेते हैं ताकि रीडिंग जो है वो आगे बढ़े। यस, ये आ गया है थर्ड कार्ड एंड ये जो है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। फायर सिंह यहाँ पे आ चुका है एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आ चुका है। पैशन की अगर हम बात करें तो फिर से वही आ गया है जैसा कि पहला कार्ड था स्टार रिवर्स। ये फायर साइन है एरीज लियो सैज के लिए, रिवर्स में आ चुका है। ये पर्सन जो है वो समय लेगा। यस, द पर्सन इज गोइंग टू टेक टाइम। ऐसा नहीं कि जल्दी से जल्दी अपनी चीजें बयां करके एक्सप्रेस करेगा, नहीं, ये समय लेगा। लेकिन एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये पर्सन जज्बाती हो सकता है, अचानक से ही आपके सामने रो सकता है, गिड़गिड़ा भी सकता है, लेकिन उसको आप इस हिसाब से जज मत कीजिए, ठीक है। ये पर्सन अपने मोरल को बूस्ट करना चाहता है, स्ट्रांग बनना चाहता है एंड ये आपको सच में पसंद करता है, लेकिन ये इसलिए नहीं चाहता कि आप उसे पसंद करें बिकॉज ये कितना साफ दिल का है, नहीं दिल का है, बल्कि ये इसकी क्वालिटीज कैसी है, यू नो, क्या सच में ये आपके लायक है, क्या आपको लगता है कि आप साथ में एक दूसरे का हाथ थाम सकते हैं, लंबी जीवन की पारी खेल सकते हैं, यू नो, शादी के बाद आप कैसे दे, सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड देयर। तो ये सब बातें सोच के ही ये पर्सन धीरे धीरे अपनी चाले चल रहा है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये थे तीन कार्ड्स रिगार्डिंग दी टैरो। अब हम देखते हैं ट्विन फ्लेम ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। शफलिंग करते हैं और तीन कार्ड निकालते हैं, ठीक है। यस, ये आ गया पहला, ये आ गया दूसरा एंड ये आ गया तीसरा। तीन कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। देखो, पहला जो कार्ड है वो है हियर शी गोज। यस, अगर आपको लग रहा है कि इनका आपकी तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ओके, आप गलत हो सकते हो 90%। ये आपकी तरफ ध्यान देते हैं, इनफैक्ट वॉट एवर यू डू, चाहे आप सोशली एक्टिव हो या फिर आप दोनों अड़ोस पड़ोस में ही रह रहे हो, तो आपकी हर खबर रखने की कोशिशें करते हैं, यू नो, इनके खबरिया, इनके गुप्तचर हर तरफ है। सो दैट पर्सन नोज अबाउट यू। शायद इन्होंने आपका व्हाट्सअप या फिर यू नो व्हाट्सअप तो पता नहीं, हैक करते हैं नहीं, लेकिन आपका शायद इंस्टाग्राम फेसबुक उन्होंने हैक करके रखा हुआ है एंड द पर्सन नोज कि आप कब लॉग इन करते हो, आप किससे बातें करते हो, क्या बातें करते हो। सो इट्स लाइक द पर्सन नोज एंड केयर अबाउट यू, ठीक है। लेकिन ये केयर अगर आपको लगता है कि वो दिखाएंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है। अभी टैरो से जो रीडिंग निकली है, जो भी साइन आ चुके हैं, लाइक एयर साइन में से एक्वेरियस, फायर साइन में से एरीज लियो सैज एंड देन वी हैड द अदर साइन, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों की बात करें, okay, जो था नाइट ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन अर्थ साइन, तो अगर हम इन तीनों साइंस की बात करें तो ये पर्सन जो है आपके बारे में पजेसिव तो हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप इसे यू नो बहुत जल्दी यू नो अपने दिल की बात रखने वाला समझो। ये पर्सन समय लेगा एंड आई थिंक ये पर्सन आपसे जेन्युइन प्यार करता है, उसे जेन्युइन लवर कहलाना ज़्यादा पसंद होगा। सेकेंड जो कार्ड है वो यूनियन। तो अगर इसके दिल में कोई बात चलती है या फिर चल रही है तो वो है यूनियन की। द पर्सन वॉन्ट ऑल ओवर यूनियन। तो यूनियन अलग अलग प्रकार की होती है, इट कुड बी सेक्शुअल यूनियन, कुड बी इंटीमेट यूनियन, इट कुड बी वंडरफुल यूनियन कि भाई आप दोनों को पता चला कि आप सच में एक ट्रू लव है यानी कि सच्चे प्रेमी हैं, तो इससे और क्या चाहिए। लेकिन ये जब एहसास होता है कि भाई यू टू आर ट्रूली हैप्पी कपल, अ ब्लेस्ड कपल, ब्लिस कपल, वंडरफुल कपल एंड मोर देन दैट एन्चेंटेड कपल, तो अगर ऐसी बात है तो क्या कहना, बस वही बात इस पर्सन को चाहिए। ये पर्सन हर तरह के सिचुएशन में आप दोनों को डालना चाहता है, कैसा होगा कि ये गड़बड़ी हो जाए, कैसा होगा वो गड़बड़ी हो जाए, कैसा होगा कभी आप अपना आपा खोले तो ये क्या करेंगे, कैसा अगर ये अपना आपा खोले। सो इट्स लाइक ये पर्सन हर तरीके से कोशिश करेगा कि क्या आप दोनों सही तरीके से साथ में बैठते हो, बिकॉज हर समय आप स्माइल करोगे ये सिर्फ ख्वाबों ख्यालों में ही मुमकिन है, रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर इनका कभी स्टमक पेन हुआ, अगर आपका कभी सर दर्द हुआ, तो क्या ये सर दबाएंगे, क्या आप इनको यू नो थेरेपी देंगे। सो इट्स लाइक सो मेनी क्वेश्चंस आ गया और इसी बात को लेके आई थिंक ये पर्सन जेन्युइन हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है डिवाइन रिंग ट्विन फ्लेम। यस, ये पर्सन अगर कहे तो आरसे से आपका वेट कर रहा था, आप में से कुछ या कोई लोग जो है वो ट्विन फ्लेम में हो सकते हैं या फिर एटलीस्ट आपको लगता होगा कि हम मानो ट्विन फ्लेम में हैं, मतलब
जो भी आप महसूस करते हैं मानो वो भी महसूस करते हैं, आपको चटका लगा तो मानो उनको भी चटका लगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप ना भी हो ट्विन फ्लेम, फिर भी ये एहसास तो दोनों के दिल में ज़रूर है कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत फिक्र करते हैं, यू नो, एंड आपको लगता है कि यस ये ट्विन फ्लेम रिश्ता हो सकता है। ओके, फाइनली वी गॉट द एनर्जी ओरेकल कार्ड्स, करते हैं शफल एंड अब हमें बस चुनने हैं तीन कार्ड्स। यस, 1, 2, दूसरा कार्ड आ गया एंड फाइनली इज 3। ठीक है, तीन कार्ड्स हमें मिल चुके हैं, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। यस, पहला जो कार्ड है वो है कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कोई बात इनके जहन में है वो है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स देखो ये पर्सन एक लीगल मैरिज करना चाहता है। अब देखो लीगल मैरिज ये वर्ड शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन अगर हम लीगल टर्म का मतलब निकाले तो सही तरीके से ये वर्ड ज़्यादा लाजमी होगा, यू नो। तो ये पर्सन आपको गुमराह नहीं करना चाहता, ना ही खुद का शौक पूरा करने के लिए आपका साथ निभाना चाहता है। आपने शायद ऐसे कई सारे किस्से सुने होंगे या फिर कई सारे ऐसे लोग यू नो अलॉन्ग अराउंड योर फ्रेंड्स आपने देखे होंगे कि सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए किसी का हाथ थामते हैं, जैसे ही उनका मकसद पूरा होता है चले जाते हैं। नहीं, ये पर्सन आपके साथ जिंदगी भर का रिश्ता निभाने के लिए ही सोच रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट ये धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर ये पर्सन धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ रहा है तो ये रीडिंग फिर आपके लिए नहीं हो सकती। लेकिन अगर ये पर्सन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लिमिटेशंस को जान रहा है, आपको भी लिमिटेशंस बता रहा है, तो उसके पीछे एक वजह है, कॉन्ट्रैक्ट है ना। देखो वकील अगर कोर्ट में काला कोट पहने तो ही कोर्ट की ऑनर होती है, अगर वो बाहर कहीं पर भी अगर कोट काला पहने तो वो आम इंसान होता है, वो वहां पे एज अ लॉयर खुद को बता सकता है लेकिन डिफेंड नहीं कर सकता, क्योंकि बाहर की दुनिया अलग है, सिर्फ कोर्टरूम में ही वो खुद को एज अ लॉयर रिप्रेजेंट कर सकता है ना। तो वैसे ये आपका ट्रू हस्बैंड या ट्रू वाइफ बनने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल टर्म को अपनाना चाहते हैं कि भाई इफ आई एम गोइंग टू बी विथ यू आई विल बी विथ एवरीथिंग। ओके, मतलब आपसे कुछ नहीं छुपाना। सेकेंड जो कार्ड है रेस्ट एंड रिजुविनेशन, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड। अगर हम इस कार्ड को देखें तो देखो रेस्ट एंड रिजुविनेशन का मतलब है कि भाई अगर इनको लग रहा है कि भाई किसी चीज़ की कोई कमी है रिश्ते में, या फिर ये बहुत ही ज़्यादा कोई चीज़ कर रहे हैं, या फिर अगर इनको रेस्ट की ज़रूरत है, तो हाँ अगर ये अपने आप को आपके सामने अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तो ये समय लेंगे ताकि वो आपके सामने अपना बेस्ट वर्जन बता सके कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। अगर आप इनको प्यार करें तो सच में इनमें कोई तो काबिलियत होगी, और वही बात बार बार वो परखते रहते हैं, जैसे कि एक सिंगर, ओके, वो इसलिए खुद को और लायक बनाता है बिकॉज ही नोज कि आप उसको एक अच्छा सिंगर मानते हो और आपकी नजरों में खड़े रहने के लिए वो बार बार रियाज करेगा। सिमिलरली ये पर्सन अपने को बार बार स्टैंड आउट करेगा बाकी लोगों से बिकॉज यू लव देम मोस्ट। फाइनल कार्ड जो यहाँ पे आ चुका है वो एक्शन। तो फाइनली आई थिंक जैसे यहाँ पे आपको चैरियट की भी फीलिंग मिलती होगी, यू नो चैरियट कार्ड यहाँ पे आता है जो कि है कैंसर का साइन। ओके, तो अगेन वाटर साइन यहाँ पे आ चुका है, हम कह सकते हैं एक्शन। मतलब देखो ये पर्सन एक्शन तो करेगा एंड ज़रूर तो करना तो चाहिए, लेकिन उसके लिए उसको थोड़ा समय लग भी सकता है। जितने भी हमने अभी कार्ड्स देखे हैं, चाहे वो टैरो हो, ट्विन फ्लेम हो या फिर एनर्जी ओरेकल हो, सभी से एक ही मीनिंग निकलती है कि ये पर्सन समय लेगा अपने आप का बेहतर वर्जन आपके सामने रिप्रेजेंट करने के लिए। इट हैडिंग आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।